मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल. थर्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स टॉपिक इज गोइंग ऑन मनी. इन मनी वी हैव लर्नड ऑलरेडी कन्वर्जन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. टुडे वी विल डू अ फ्यू स्टेटमेंट सम्स. सो रीड स्टेटमेंट विद मी. राज हैज रुपीज 105 इन हिज पिगी बैंक. ये राज का पिगी बैंक है, इसमें राज के पास 105 रुपीज हैं. He puts rupees 56.75 more in his piggy bank. How much total money does he have in his piggy bank? So first of all, amount of money in Raj piggy bank. Raj ke piggy bank mein already kitna amount of money hai? We will write it here 105 rupees. Ab dekho yahan rupees 105 tha na, to inhone dot laga ke, kyunki paise nahi hume given, to humne uski jagah 20 lagayi hai. ओके, ये आपने याद रखना है कि अगर आपको पैसे नहीं गिवन तो आप 20 लगाएंगे. देन अमाउंट ऑफ मनी एडेड बाय राज इन हिज पिगी बैंक, जो और पिगी बैंक में राज ने मनी ऐड करी, दैट इज 56.75. ठीक है. नाउ टोटल अमाउंट ऑफ मनी कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. सी वन मोर एग्जाम्पल. सोम्या हैज रुपीज 565. She buys a t-shirt worth rupees 397.50. How much money does she have now? तो इतना मनी उनके पास था और एक t-shirt ले लिया उन्होंने इतने मनी का. So how much money is left now? Amount of money Somya has this much. Amount of money she spends on the t-shirt this much. So amount of money left, जब हमें left amount चाहिए तो हम subtraction करेंगे, minus करेंगे and we will get the answer. Now see a few statement in exercise 12.3. Statement A. John has rupees 321. Aditya has rupees this much. How much money do they have together? Very simple. John has money this much. Aditya has money this much. Total money we have to find out. So we will write total money they have. Aur hum in dono ko add karenge. We will get the answer. Very simple. Next sum, Priya has rupees this much, Karina has rupees this much, how much more does Priya have than Karina? हमें ये देखना है कि प्रिया के पास करीना से कितना ज़्यादा है. तो जब इस टाइप का कोई स्टेटमेंट होता है तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ता है. डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन माइनस सी. Priya has money rupees 60.35. करीना हैज़ मनी रुपीज़ 44.85. सो डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्शन. देन वी विल राइट प्रिया हैज़ रुपीज़ 15.50 मोर देन करीना. तो इतने रुपीज़ करीना से उसके पास ज़्यादा हैं. निमिश हैज़ रुपीज़ 100, स्पेंड्स दिस मच, हाउ मच मनी इज लेफ्ट. आप बताएं कैसे राइट करेंगे हम स्टेटमेंट को. निमिश हैज़ मनी इज इक्वल टू दिस, He spends money is equal to this and left money कैसे find out होगी? By subtracting. See, Tushar wants to purchase a pencil box worth rupees this and a pen worth rupees this. So how much total money does he need to buy a pen and a pencil box? आपकी book में ये जो needs में S लगा हुआ है ये wrong है, इसको cut कर लीजिए. आपको हमने बताया है कि जब किसी सेंटेंस में डू या डज लग जाएगा तो फिर वर्ब की फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगना चाहिए. एनीवे, सी द स्टेटमेंट अगेन. तुषार वांट्स टू परचेज अ पेंसिल बॉक्स. उसका पेंसिल बॉक्स 75.50 रुपीस का है, पेन की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल मनी उसको कितनी चाहिए होगी? तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स दिस मच, कॉस्ट ऑफ पेन दिस मच, टोटल मनी तुषार नीड्स, दोनों को प्लस कर लेंगे, इतनी मनी तुषार को चाहिए टू बाय बोथ द थिंग्स. नेक्स्ट वेरी सिंपल स्टेटमेंट अगेन. आउट ऑफ रुपीज 200 आफ्टर शॉपिंग कान्या इज लेफ्ट विद रुपीज दिस. सो हाउ मच मनी हैज शी स्पेंट. वो 200 रुपीज थे उसके पास, शॉपिंग के बाद इतनी मनी रह गई, तो स्पेंट मनी कितनी हुई? वी हैव टोटल मनी रुपीज 200, लेफ्ट मनी दिस मच, तो स्पेंट मनी कितना होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, वी विल गेट द अमाउंट ऑफ स्पेंट मनी. तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी. ये सारे सम्स आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए. देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. हैव अ गुड डे.